सो हेलो माय यूरू फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। सो वेलकम बैक टू हेड हिट गेमिंग। और आज इस गेम में हम लोग खेलने वाले हैं रैंक गेम इन गैरेना फ्री फायर। हम लोगों ने वापस से भीमा शक्ति पर लैंड कर लिया है और ये वीडियो बिल्कुल ही स्पेशल होने वाला है। इसे एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देने वाला हूँ इस वीडियो से रिलेटेड, जो कि आपको रैंक बूस्ट में बहुत काम देने वाला है। आप बहुत ही कम समय में, मतलब लिटरली बहुत ही कम समय में, आप सीधे गोल्ड से लेकर ग्रैंड मास्टर रीच कर सकते हैं। झूठ बोलो। रोड फ्रॉम गोल्ड टू ग्रैंड मास्टर। बार बार झूठ बोलो। सो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत कुछ है आगे। पहले मैं यहाँ पर कुछ लूट कर लेता हूँ। जल्दी ओ भाई, जल्दी आओ, यहाँ कुछ बंदे मुझे मार रहे हैं। ओ भाई मैं आ रहा हूँ, रुको एक मिनट, पहले मैं थोड़ा लूट कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे पहले लूट कर लेते हैं और चलते हैं हर्ष भाई को बचाने, क्योंकि उनकी सॉरी चड्डी फट रही है। क्यों भाई, तेरी चड्डी फट रही है क्या? मजाक मत कर भाई। ओके ओके आ रहा हूँ मैं, रुको एक मिनट आ रहा हूँ। यार P90 ले लेता हूँ यार, शॉर्ट रेंज की लड़ाई में काम देगा। ओ भाई ये बंदे, ओ पीछे बंदा यार, पहले इसको खत्म करता हूँ यार। और यार उछल कूद मत कर बंदर की तरह। ओ अब क्या बचाएगा? अरे यार तू मर गया। कोई बात नहीं, मैं रिवाइवल पॉइंट से रिवाइव दे दूंगा तुझे। ये रिवाइव सिस्टम है यहाँ पर, रैंक गेम रिवाइवल सिस्टम आ गया है। तो मैं पहले यहाँ पर लूट कर लेता हूँ कुछ, उसके बाद उन बंदों को उनके ही लॉबी में पहुँचाने का काम करेंगे। उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, लिटरली बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूट कर लेता हूँ, तो मैं वीडियो को कट कर देता हूँ सो दैट कि आपका टाइम सेव हो। सो हेलो भाई लोग, यहाँ पर कुछ चिमकांडियों की आवाज़ आ रही थी जिन्होंने हर्ष भाई की चड्डी फाड़ दी थी। लो भाई इधर एक चिमकांडी और उसको हेडशॉट से क्या गंदा वाला मारा है मैंने। अरे भाई कौन मार रहा है पीछे से? भाई पीछे से कहाँ से आ रहे हो? अरे भाई गया हेडशॉट के साथ। जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। तो मुझे भाई जो सुकून मिल रहा है इन दोनों चिमकांडी को मारकर, वो तो मैं नहीं बता सकता यार। पहले मैं यहाँ पे आराम से जो हूँ एक लूट कर लेता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर आराम से जो है हम लोग लूट लेते हैं। अरे भाई सामने दो बंदे हैं, एक डुओ आ रहा है। भाई 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 भाई, तो मैं भाई जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो को उसे कट कर देता हूँ सो दैट कि आपका टाइम सेव हो सके। 2000 years later मैं निकला गड्डी लेकर हर्ष भाई को रिवाइव देने। अरे भाई इतना चगाते हो कि कॉपीराइट चला जाएगा। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। अरे भाई मैंने यहाँ पर एक बंदा को देखा है यार, मैं पहले कवर में ले जाता हूँ, उसके बाद इस बंदे की चड्डी फाड़ता हूँ। पहले मैं कवर में आ जाता हूँ, उसके बाद इस बंदे की चड्डी फाड़ूंगा। भाई तू कहाँ चला गया यार, कहाँ गया? ओए इधर है जोकर, है जोकर है। अरे भाई उछल कूद गया। अरे भाई भाई, 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 भाई सामने से इसका जो टीममेट है वो उनको गंदा वाला डैमेज दे दिया है। और भाई यहाँ मैं आराम से मेडिकेट मार रहा हूँ और हर्ष भाई को जो है बुला रहा हूँ गेम में वापस। चलो भाई पहले तो तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिलानी पड़ेगी मुझे सो दैट कि आज के बाद तुम मुझे मारने की ज़रूरत भी ना करो। क्यों बे जोकर, हैं क्या हुआ जोकर, कहीं का गया? तो भाई हर्ष भाई आप आ जाओ गेम में वापस। मैं गेम में आ गया हूँ भाई। गुड भाई गुड। चलो भाई पहले मैं यहाँ से लूट करके निकलता हूँ। अरे भाई आ गया उसका दोस्त। अरे भाई भागो भागो, अरे यार ग्लू वॉल लगा लेता हूँ पहले मैं। कहाँ गया बे? निकलता हूँ मैं यहाँ से, निकलता हूँ मैं यहाँ से, निकलता हूँ। तो भाई मैं फिर से वीडियो को कट कर देता हूँ जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ भाई कुछ चिमकांडी लोग ना अपने चिमकांडी टीममेट्स को ना जिंदा कर रहे थे मेरी तरह। तो भाई इन्हें जो है ना गंदा सा शॉट पड़ा है और मैं इधर मैं कवर में आ गया हूँ। हर्ष भाई को भी मैं कवर पे बुला दिया हूँ सो दैट कि हम लोग कवर में रह के फायर करें और अच्छी तरह से डिफेंडिंग हो सके। सो कवर फायर हम लोग करेंगे यहाँ से, ट्राई करते हैं। शायद मुझे पीछे से वॉर करना चाहिए भाई, ग्लू वॉल का तो। अरे भाई भाग, ध्यान से ध्यान से, यहाँ पर हम लोग को डेंजरस हो सकता है, हम लोग को पीछे से करना चाहिए वॉर। पीछे आओ हर्ष, पीछे आओ। हाँ भाई आता। हाँ पीछे से, ओ भाई ले रश कर दिया बेटा, गया तू हेडशॉट के साथ, मतलब हेडशॉट लगा था 163 का और ये लोग गया। चलो भाई उधर एक बंदा है, उसके पीछे जाके मारता हूँ उसे, पीछे से पीछे से। अरे पीछे देखो भाई, पीछे पीछे से कौन आया है? ये नूबड़े एक ही जगह पर रहते हैं, मतलब मैं किसी को नूब नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये प्लेयर्स जो हैं एक ही जगह पर रहते हैं, पोजीशन नहीं चेंज करते भाई। पोजीशन चेंज करो भाई मेरी तरह सो दैट तुम जाके डिफेंड कर सको और अटैक कर सको एनिमीज़ पर और उनके किल निकाल सको। यार पोजीशन चेंज नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? चलो देखते हैं आगे गेम में क्या होता है।
तो फिर से मैं अन इम्पोर्टेंट पार्ट को वीडियो को कट कर देता हूँ। 2000 years later सो भाई लोग, मैंने यहाँ पर कुछ एक बंदे को स्पॉट किया है, इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है मैच का, क्योंकि भाई टॉप 9 में हम लोग गया। अरे भाई 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 मैं देख रहा हूँ, अरे भाई कहाँ भाग रहा है, ओ अरे रिकॉइल करके पेनल्टी, ओ भाई नहीं गया मैच। भाई 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 यार क्या हो गया यार, भाई रिकॉइल हो गया था, रिकॉइल हो गया था भाई, P90 रिकॉइल कर गया था, देयरफॉर मैं मर गया। तो आज के वीडियो का यही टिप्स एंड ट्रिक था भाई लोग, कि जब भी रिकॉइल करे गन को तो ग्लू वॉल लगा लेना सामने, वरना खत्म हो जाओगे मेरी तरह। तो आज का यही टिप्स एंड ट्रिक्स था भाई। तो भाई लोग मैं ये कह रहा था कि ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना गोल सा, इसे क्रॉस हेयर कहते हैं, और जब ये बड़ा हो जाता है ना तो उसे रिकॉइल कहते हैं। रिकॉइल में क्या होता है कि गन के जो एमोज होते हैं ना वो एम पर परफेक्ट ना जाते हुए इधर उधर बिखरने लगते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये अपने एडम चचा वहाँ पर खड़े हैं और उन एडम चचा को मैं गंदा वाला देने वाला हूँ अभी, और देखना कैसा गंदा वाला रिकॉइल होगा अगर हम लोग लगातार गन मारते हैं। देखो देखो क्रॉस एयर बड़ा हो गया भाई, क्रॉस एयर बड़ा हो गया यार, समझ रहे हो ना। तो क्रॉस एयर क्यों बड़ा हुआ भाई, क्योंकि रिकॉइल हो रहा है गन, गन जो है वो रिकॉइल हो रहा है, देखो क्रॉस एयर बड़ा हो गया। तो जब क्रॉस एयर बड़ा होता है ना तो एम जो होता है वो करेक्ट नहीं लगता है, इधर उधर गोली बिखरने लगता है, इस तरह से इधर उधर गोली जो है बिखरने लगता है, और हेडशॉट तो दूर की बात है, बॉडी शॉट भी भाई मुश्किल से लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो अपोनेंट होता है आपको हेडशॉट देता है और चला जाता है। इसीलिए जब भी रिकॉइल हो भाई सामने ग्लू वॉल लगा लो यार, इस सोच में मत रहो कि भाई मर जाएगा बंदा, इतनी सारी गोलियां स्प्रे कर दी हैं उसके ऊपर, इतनी सारी गोलियां छेद कर दी हैं, लेकिन नहीं भाई रिकॉइल हो रहा है तुम्हारा गन, मुश्किल से एक आध दो गोली लगे उसके बॉडी शॉट पर, इस तरह से। तो जब भी रिकॉइल हो तो ग्लू वॉल लगाओ और नेक्स्ट हेडशॉट ट्राई करो ताकि उस बंदे को डिफीट कर सको, ओके। तो आज के लिए यही टिप एंड ट्रिक था कि जब भी जो तुम करोगे रिकॉइल होगा तुम्हारा गन तो तुम भाई लगा देना ग्लू वॉल, ओके।